शुभ प्रभात दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को प्राणायाम के विषय में बताया था, पांच प्राणायाम मैंने बताया था, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीर। यह पांच प्राणायाम जो भी अपने जीवन में उतार लिया कि हमको नहीं भाई रोज 30 मिनट 40 मिनट मुझे करना है, 30 मिनट 40 मिनट मुझे डे प्रतिदिन ये करना है, आप समझ लीजिए कि उसने सैकड़ों रोगों को मार दे दिया। प्राणायाम से आपको फ़ायदा क्या होता है, जिसे मैंने बता दूँ आपको कि प्राणायाम से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं, ब्लड के अंदर जब हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है तो हमको ब्लड प्रेशर जैसे, डायबिटीज जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो प्राणायाम अगर आप प्रतिदिन करते हो तो हार्ट अटैक से भी बचाएगा, आपको बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेगा, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। तो कल हमने पांच प्राणायाम बताया था, आगे हम और भी प्राणायाम बताएंगे आपको, लेकिन आज हम पहले शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही आसान होता है लेकिन इसके फायदे बहुत होते हैं। इससे हमारी बॉडी एक्टिव रहती है और एनर्जेटिक रहती है। तो एटलीस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज या कठिन एक्सरसाइज आसन नहीं कर पाते हैं तो वो प्राणायाम कर लिए और सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। शुरुआत कभी भी आप थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लिए 10-15 मिनट और आधा घंटा 30 मिनट आपने प्राणायाम कर लिया तो समझिए आपकी बॉडी काफ़ी एनर्जेटिक हो जाएगी। चलिए आज सूक्ष्म व्यायाम हम आपको बताते हैं जो बहुत ही आसान है। हाथों को आगे की तरफ लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे, मुट्ठी बनाने के बाद हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार हम क्लॉकवाइज फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। आप इसको जब ऐसा करते हैं तो आप महसूस करेंगे आपकी यहाँ नसें और मांसपेशियाँ जो हैं वो काफ़ी खिंचाव महसूस करेंगे और आपको आराम मिलेगा। फिर अपने पंजों को ऐसे 10-10 बार आपने किया, फिर हाथों को, दोनों हाथों को कंधों की तरफ लेके जाइए, ऐसे आराम आराम क्षमता के अनुसार अपने करिए, कम से कम 10 बार, अधिक से अधिक अपनी क्षमता के अनुसार। बट अगर आपने 10-10 मिनट भी इसको कर लिया काफ़ी प्रभावशाली रहेगा ये हमारे शरीर के लिए। मैं प्रतिदिन करता हूँ, काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, तो सोचा कि चलिए वीडियो बनाया जाए और कम से कम जितने लोगों को हमारा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा वीडियो देख सकें तो उनको भी मैं मेरा अनुभव शेयर कर सकूँ, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। फिर हाथ उंगलियों को कंधे के पास ऐसे करते, इससे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। 10 बार सामने की तरफ, फिर 10 बार उल्टे साइड की, आप जब यह करते हैं काफी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, आपको आप बहुत ही अच्छा एनर्जी फील करेंगे शरीर के अंदर। ये किया आपने, फिर हम अभी गर्दन और सर का करेंगे। सांस भरने के बाद सांस को छोड़ते हुए हम अपने सर को दाहिने साइड ले जाएंगे, वहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। जो जिसकी गर्दन जितना घूम सके उतना ही करना है उसको, ज़बरदस्ती पूरा लेके नहीं जाना है और क्षमता के अनुसार उसको रोकना है। देखिए
मैं सांस भर के सांस छोड़ते हुए लेके जाऊंगा, फिर जब इधर से वापस आएंगे तो फिर सांस भरते हुए आएंगे और बीच में फिर 5 सेकंड के लिए हम अपने सर को होल्ड करेंगे। यहाँ पे सांस भर के 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए हम बाएं तरफ जाएंगे। इस तरह से इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार करेंगे। आप जब यह प्रक्रिया करते हैं तो आप अपने गर्दन पे अच्छा खिंचाव महसूस करते हैं, जिससे आपको काफ़ी आराम महसूस होता है। तो इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार करना है। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, दस सेकंड के लिए होल्ड करना था। आपको बोलना नहीं है, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। फिर सेम प्रक्रिया हम ऐसे करेंगे बाईं तरफ, ये सब सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं, लेकिन इससे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। कभी गर्दन की नसें नहीं चढ़ेंगी आपकी, कभी गर्दन टाइट नहीं अकड़ेगा नहीं। बहुत बार होता है अकड़ जाता है, हम लोग ऐसे ऐसे देखते हैं। अगर हम ये सब आसन सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं तो हमें ये सब तकलीफ़ों से नहीं गुजरना पड़ेगा। फिर दूसरा है गर्दन का ही है, सांस भर के सांस को छोड़ते हुए गर्दन को सर को दाहिनी तरफ झुकाएंगे। फिर सांस भरेंगे, बाईं तरफ झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए हम बाईं तरफ अपने सर को लेके जाएंगे। इस प्रक्रिया को करते हुए सांसों को एकदम बहुत ही केंद्रित रखना है। दोबारा से इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार करना है। और मैं बार बार बोलता हूँ फिर भी बोल रहा हूँ कि आपको जब भी यह प्रक्रिया कीजिए तो जितना आपका गर्दन घूम सके, जितनी आपकी गर्दन झुक सके, अपनी क्षमता के अनुसार करिए। ऐसा ही नहीं कि आज ही दिन कर दीजिए और पता चला कि दस कोई नस चढ़ गया और फिर हो गई दूसरे दिन से छुट्टी, तो ऐसा नहीं। जितना घूम सके उतना ही क्षमता के अनुसार करना। फिर जब आप इसको प्रतिदिन रेगुलर अभ्यास करेंगे प्रतिदिन, तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगा गर्दन। फिर तीसरा है इसी गर्दन का, हम गोल गोल गर्दन को घुमाएंगे। पहले आप
किसी भी तरीके में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाइए, मतलब हमारे गाने मतलब 10 बार एक तरफ से 10 बार एक तरफ से। देखिए मैं कैसे करता हूँ, आपको भी अपनी क्षमता के अनुसार करना है। सांसों की प्रक्रियाओं को नॉर्मल रखना है, जैसे हम नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं। फिर उल्टा प्रतिदिन हम सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करते हैं तो ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, बहुत ऊर्जावान रहेंगे पूरा दिन आप कुछ भी काम करते हो। प्राणायाम के विषय में मैंने बताया था कि कपालभाति जो है वो खाली पेट ही करना है, खाना खा लिया नाश्ता कर लिया तो उसके बाद नहीं करना है, उसके 4 घंटे के बाद ही आप उसको कर सकते हैं। बाकी प्राणायाम है आप ऑफिस में बैठे हैं कहीं भी बैठे हैं तो भी आप टीवी देखते देखते भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। आजकल आप टीवी देख रहे हैं अनुलोम विलोम कर लिए, अनुलोम विलोम से माइंड को फ़ायदा पहुंचता है, आँखों को फ़ायदा पहुंचता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अभी आजकल तो अभी जो ये कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है इसका तो इतना बुरा असर हो रहा है कि आप टीवी में भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ऐसे केसेज आ रहे हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद फंगल्स हो रहे हैं, लोग आँखें चली जा रही हैं, उनकी जान बचाने के लिए आंखों तक को निकालना पड़ रहा है। तो अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो अनुलोम विलोम से अपनी आंखों को ठीक रख सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी सही रहेगी। तो हमको मैं पिछले एपिसोड में भी बताया था कि इम्यूनिटी सही रहेगी तो कोरोना वायरस हमको इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा, आएगा और निकल जाएगा। नहीं तो पता चल रहा है कि फंगल से आँखें खराब हो रही हैं, सुनाई देने की क्षमता खत्म हो जा रही है लोगों की, तो बहुत सारी समस्याएँ हैं। हमें इस कोरोना से जंग लड़ना है, कोरोना को हराना है। और एक आप लोगों से हमारी विनती है, प्रार्थना है, कृपया मास्क जरूर पहनें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, अगर हाथ जहाँ पे आप हैं वहाँ हाथ धोने पड़ता है तो बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे, और बाहर जहाँ जाइए मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए आपस में, तभी हम इस कोरोना जैसे महामारी को हरा पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ हमारा इतना ही वीडियो था, फिर बाकी की चीज़ें हम अपने आगे के एपिसोड में बताएंगे। आप लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जो लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।